नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली और ओडिशा समेत अन्य इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी, दोनों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की शुरुआत से ही बीजेपी पर इस तरह के दंगे भड़काने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे राज्य सरकार की विफलता करार दे दिया है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंदा बोस हुगली पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का भी मुआयना किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदा बोस ने कहा है कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अराजकता फैलाने वाले नहीं बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सासाराम, बिहार शरीफ में रामनवमी के दौरान हिंसा भड़की। सासाराम में उपद्रवियों ने एक मदरसे को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं बिहार सरकार भी उपद्रवियों को लेकर एक्शन में आ गई है। बिहार शरीफ में 140 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। वहीं सासाराम में 50 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन उपद्रवियों पर वैसी ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर रखा है, क्योंकि इन लोगों में कानून का डर होना जरूरी है, वरना बंगाल या बिहार का हाल भी पुरानी कश्मीर की तरह हो जाएगा। वहीं बंगाल और बिहार हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने के लिए आगे आई हैं, और क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखते हैं कि अनुराग ठाकुर ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। प्रासंगिक विषय भी है, दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनामी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएम नीतीश और तेजस्वी राज्य में मुसलमानों में डर पैदा करने चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। निकालते हैं और उस वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये दो चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साल मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी चारों तरफ देखी गई थी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा भड़क गई और ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान मस्जिद पर भी हमला किया गया है, आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और ओडिशा समेत कई इलाकों में हिंसा हुई थी। इस घटनाओं को लेकर बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये आग किसने भड़काई, आखिर इन द्रव्यों पर क्या एक्शन हुआ है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही साथ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन उपद्रवियों में कानून का खौफ है तो फिर ये बार बार तस्वीरें क्यों निकल कर सामने आ रही है। उत्सव का माहौल, त्योहार का माहौल, जिसमें आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है क्योंकि वोट का सवाल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है? क्या इस जमीन पर वोटों की तैयारी की जा रही है? बिहार और बंगाल आखिरकार क्यों सुलगता जा रहा है?
तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी मैं। कार्तिकेय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। वहीं संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, सवाल ये है कि हिंसा भड़क रही है, आगजनी हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सरकारें तो कह रही हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन क्या उस तरह की कार्रवाई हो रही है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि हाँ, अगर कोई बिहार या बंगाल में इस तरह के करने की सोचता है, जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगाई हैं, तो आगे फिर डर जाएंगे। क्या ऐसी कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, इस तरह की कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखती। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देश बहुत लंबे समय बाद सांप्रदायिक हिंसा के दौर से लगभग निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। आप याद कीजिए कि 90 का वो दशक जब देश में सांप्रदायिक हिंसाएं आम बात हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरह की कोई बड़ी घटना देश में न होना ये संकेत दे रही थी कि देश शायद इन चीजों से अब उभर चुका है और अब हम आगे की राजनीति करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल में, बिहार में खासतौर से, हालांकि घटनाएं महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुई थी, लेकिन वहां हिंसा का क्रम जारी नहीं है। लेकिन आप देखिए, बंगाल में पिछले 6 दिन से लगातार हिंसा हो रही है। अब तो रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि ये देश में एक अच्छे देश की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, अगर इस तरह की हिंसा को कानून व्यवस्था की जगह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और जो भी राजनीतिक दल, बिल्कुल संजीव जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी, आप बात पूरी करिए। तस्वीरों के जरिए हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आप देखिए कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, तो ये देश में एक अलग तरह की राजनीति, एक सांप्रदायिक हिंसा के दौर की जो राजनीति, जिससे हम लगभग निकल चुका था देश, उसमें एक बार फिर से झोंकने की कोशिश की जा रही है। और अगर सिर्फ वोट बैंक के लिए और चुनाव के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है, तो निश्चित ही बहुत निराशाजनक। एक तो राजनीतिक तौर पर यह बहुत ही निराशाजनक है। दूसरी, देखिए, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था राज्य का क्षेत्राधिकार होता है, और अगर किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और इस तरह की आप देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही है, अगर इस तरह की तस्वीरें लगातार 6 दिन से आती है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर ये गंभीर सवाल है। भले ही इस पर राजनीति हो, भले ही किसी पर आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन हिंसा को रोकना, हिंसक वारदात में शामिल असामाजिक तत्वों को के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करना, कठोर कार्रवाई करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें इससे बच नहीं सकती है। इसमें आप राज्य सरकार को क्लीन चिट इसलिए नहीं दे सकते कि ये सांप्रदायिक हिंसा है और इसमें राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल, संजीव जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। राजनीति होती है, ठीक है सर, वापस आपके पास लौटूंगी। अंकित चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें या बिहार की हम बात करें, तो आप दोनों ही राज्यों में विपक्ष में हैं, तो अगर पश्चिम बंगाल को हम देखें, तो लगातार ये कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ से, सारा ठिकरा केंद्र की तरफ फोड़ा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं बनती है? क्या राज्य सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? राज्य सरकार कह तो रही है कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक्शन हो रहा है वो सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आज सिर्फ राजनीति के सिलसिले से ये एक्शन हो रहा है, उस पर कड़ी तरीके से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हर बार क्यों पश्चिम बंगाल या बिहार में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है? चौधरी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट करिएगा सर। मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए। सोनिया जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक पुरानी कहावत है, बीज लगाया बबूल का तो फल की इच्छा कहां से हो। मैं इसी माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार जो पश्चिम बंगाल में, वो स्पष्ट है कि वो इस्लामीकरण को लेके और मुस्लिमों को अपने पक्ष में लेके इसी तरह सरकार बनाई थी, और उसी का आज जो ये नतीजा है हो रहे हैं। इस तरह चोर चोर मुशेरे भाई नीतीश जी और तेजस्वी जी का गठबंधन हुआ, बिहार में आग लगी हुई है। हम इससे पहले हमारी सरकार गठबंधन में थी, हम एक कंकड़ भी अगर बिहार में फिका हो,
दूसरा विषय आपको बता देना चाहता हूं बिहार के बारे में, हमारी नीतियों क्योंकि वो देश हित में थी इसलिए नीतीश जी को पसंद नहीं थी, उन्होंने अपना गठबंधन हमने उनसे तोड़ा। दूसरा विषय बंगाल का, बंगाल में अगर आप आइए तो किस तरह अर्चनी हुई हुई है, रामनवमी के दिन जिस दिन पूरा हिंदू समाज होकर भगवान राम की और माता की पूजा करते हैं, माँ देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें जिस तरह ईंट फेंकी गई है, पत्थर फेंके गए हैं, इससे साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है, इस्लामीकरण का वहां दौर हो रहा है और ये केवल विफलता है। आज आप बात करिए सन 2012 में उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश की सरकार में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, लेकिन जब से 2017 में माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्या किसी की हिम्मत है एक कंकड़ भी फेंक के मारने? क्योंकि जिस मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा है वो एक भगवादारी के साथ साथ एक बब्बर शेर के रूप में बैठा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर है लेकिन पश्चिम बंगाल नरक की ओर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुर्सी पे आसीन ममता जी है, ममता जी केवल एक विशेष समुदाय के पक्ष में अपनी बात रखती है, उसी विशेष समुदाय को उन्हें दिखता है, हिंदू समुदाय उन्हें नहीं दिखता। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में अपने भाई और अपने समुदाय के लोगों से किसी भी प्रकार से डरने की बात नहीं है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, अगर जल्दी ही इन पे एक्शन न लिया गया हो और ये जेल के भीतर नहीं हो तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा और हम अपने स्तर से इन लोगों से निपटेंगे। हम फिर कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदी और गंगा जमुना की तहजीब का है, लेकिन जो भी लेकिन लेकिन देखिए देखिए चौधरी साहब बिल्कुल सही बात है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पश्चिम बंगाल में आगजनी हुई है या पश्चिम बंगाल सुन रहा है तो ममता बनर्जी को सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है सर, एक सेकेंड, केवल एक मिनट आपको लूंगा जी। आज ये लोग पल्ला जा रहे हैं केंद्र में किसकी सरकार है, अरे जवाबदेही उसकी होती है जो सत्ता में कुर्सी पर बैठा होता है। पूरा बंगाल और पूरा बिहार आज पूछने जा रहा है कहां गई वो सरकारें, कहां गए आपके मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये आज देश देख रहा है किस तरह तुष्टिकरण की राजनीति बिहार और बंगाल में लोग कर रहे हैं और इन्हें जनता किसी हालत पर नहीं बख्शेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी केंद्र में है और मैं आप सब अपने भाइयों से कहना चाहता हूं किसी प्रकार भयभीत से ना रहे, अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी है तो उसे निकाल ले का काम हमारी सरकार करने वाली है। तो किसी भी हालत में हम बंगाल हो या बिहार हो अपने हिंदू भाइयों को किसी भी हालत में मरते हुए नहीं देख सकते और यदि ऐसा हुआ तो बहुत जल्द वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा और केंद्र सरकार से निपटने का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि ठीक है मान लीजिए कि राज्य में जो सरकारें हैं वो इसकी जिम्मेदारी ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में रह रहकर इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है, चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई चुनाव हो, तो केंद्रीय एजेंसियां या केंद्र की तरफ से क्यों इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि कई बार होता है कि हम यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस भेजेंगे, यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं जो अवैध रूप से बसे हुए हैं जो कि सीमा पार करके आते हैं उन पर हम एक्शन लेंगे, जो दंगाई हैं उपद्रवी हैं, तो फिर क्यों एक्शन उन पर तेजी के साथ नहीं लिया जा रहा है? मैं बता दूं सोनिया जी, राष्ट्रपति शासन लगाने की कानूनी प्रक्रिया क्या हर जगह राष्ट्रपति शासन लगाने से सॉल्यूशन मिल जाएगा सर? क्योंकि जब आप देखिए जब घर का मुखिया ठीक ना हो तो बाहर के लोग पंच बैठते हैं तब उसका हल निकलता है। आज पश्चिम बंगाल और बिहार के मुखिया दोनों खराब है, दोनों की मानसिकता किसी एक विशेष धर्म के साथ लगी अच्छा, हुई है। तब तो नीतीश बाबू बहुत अच्छे थे जब आपके साथ थे, ये सब लोग डिबेट तब तो उनकी सोच भी अच्छी थी कि केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। लेकिन मैं आपको सोनिया जी बताना चाहता हूँ, काजोल है सर मेरा नाम, देश आज पूरा देश देख रहा है किस तरह बिहार और बंगाल आग से जल रहा है, किस तरह वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है, किस तरह हिंदुओं पे वहाँ अत्याचार करे जा रहे हैं, किस तरह उनके त्योहारों असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, मुस्लिम्स पर हमला हो रहा है, आप कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला हो रहा है, ये आपस में राजनीति के चक्कर में हिंदू मुसलमानों का जो आपसी सौहार्द है उसे कौन सुलगा रहा है? सवाल ये है अंकित चौधरी साहब, आपके पास वापस लौटूंगी, कार्तिकी जी का रुख करूंगी सर, आ रही हूँ आपके पास। पश्चिम बंगाल में ममता जी से लीजिए ममता जी से सवाल ले लूंगी ना, सवाल आपसे भी होगा ना, जब नीतीश बाबू आपके साथ थे तब तो वो सुशासन बाबू थे, अब सब कुछ खराब है बिहार में। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं ठीक कह रहा हूँ, सवाल है क्योंकि हम सत्ता में है केंद्र में, हाँ स्टेटों में हम सत्ता में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हमारे साथ थे, लेकिन जब तक हमारे साथ थे बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार किस तरह बिल्कुल कानून प्रक्रिया चले, ठीक है मान लिया निभा रहे थे, और आज क्या स्थिति है
ठीक है चौधरी साहब, मान लिया। कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सर आपका रुख करूंगी। कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। कार्तिकेय जी, जो बिहार और बंगाल में हो रहा है और ये जो त्योहारों पर चुनावों में जो तस्वीरें हम देखते हैं, ये कहां से सही है? क्योंकि ये इंसानियत के नाते गलत है। देखिए, धर्म के नाम पर आगजनी, धर्म के नाम पर हमला, धर्म के नाम पर मस्जिद पर हमला कर देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देना, क्या ये सही है? सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहले वहां बंगाल और बिहार के लोगों से यह आग्रह गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की हिंसा को छोड़ दें, इस तरीके से डर से भय से दूर हटें और एक सही रास्ता अपनाएं। क्योंकि हमारे भाजपा के भाई ने अपने हिंदू समुदाय उसके लिए किया था, और एक अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी होते तो आपका फर्ज होता, आपका कर्तव्य, आपका दायित्व होता है कि आप सब लोगों के साथ लेके चले। तो क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ जो हर समुदाय को अपना मानते हैं, तो मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि ये समुदाय दोनों हमारे समझेंगे और इससे आगजनी से दूर हटेंगे। और उसमें प्रश्न है सोनिया जी, अभी जैसे कि मेरे बीजेपी के साथी कह रहे हैं जी, पहली बात तो मेरा नाम काजोल है सर। अच्छा काजोल जी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ी पहले डिबेट में था, माफी चाहूंगा आपसे। चलिए, अभी मेरे भाजपा के साथी ने बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो जो चोर वाले मौसेरे भाई थे उसके साथ तो बहुत लंबे अरसे तक सरकार में रहते बिहार में, तब आपको उनकी चोरी की समझा रहे थे कि मौसा जी किसके भाई ने कैसी चोरी कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि एक कंकड़ जिले से कर लिया था 2018 में, चैती माई का वहां पर त्योहार चल रहा था, सात आपके जिले थे बिहार के, बता दो आपकी सरकार थी जेडीयू के साथ में, सात आपके जिले थे जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई थी, तो उस समय आपकी सरकार नहीं थी। फिर बताया कि केंद्र में हमारी बड़ी सशक्त सरकार है, 2020 में आप 21 में देखेंगे दिल्ली में लगभग 30 साल बाद दंगे दिल्ली ने देखे, वहां पर जिस समय सबसे बड़े राष्ट्रपति यहाँ पर था, लगातार दंगे हो रहे थे, आपकी खुफिया तंत्र कहा था, आपकी केंद्रीय एजेंसियां कहा। और अगर आपको इतनी फिक्र और इतनी चिंता है तो गृह मंत्री अभी नवादा में आपकी रैली करके आए, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द शांति के अपील उन्होंने कर दी, देश के गृह मंत्री का जो किया शांति है, सारे साथी समझे, देश के गृह मंत्री ने अगर एक बार अपील कर दी हो शांति की, वहां क्या वहां पे चुनावी जुमले देखे जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उल्टा लटका देंगे। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, आपका फर्ज था, आपका दायित्व था कि आपकी जो केंद्र की एजेंसियां हैं, केंद्र के जो अर्धसैनिक टुकड़ी आप उसको भेजते, वहां के राज्यपालों से बात करते, अगर आपको लग रहा था कि हालात हमारे काबू में नहीं आ रहे, बड़ा सीधा सा है जो इनको केंद्र में देखना है किस तरीके से इनको दो संप्रदाय में हिंसा भड़का करके किस तरीके से फायदा मिल रहा है, वरना देश के प्रधानमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी से लेकर अपने प्रधानमंत्री को गृह मंत्री, क्योंकि पूरे देश के होते हैं, इस समय किसी हिंदू किसी मुसलमान किसी बौद्ध किसी ईसाई के नहीं है, पूरे देश के, तो इनका दायित्व है कि सबसे पहले अपील को कर दें। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो बोला जाता है, खुद सारे भाजपा के लोग बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं देश के लोग मानते हैं, तो बोल देते, अरे भाई आप ताली और थाली बजवा सकते हो, तो आप शांति की अपील कर देनी चाहिए थी आपको, हिंसा भड़कने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, लोगों की राजनीतिक रोटियां सिक जाए, कुछ घरों में रोटियां बनाने के पैसे, राजनीतिक रोटियां तो सीखने के लिए खूब ज्यादा मिल रही है ना सर, राजनीतिक रोटियां तो सीखी जा रही है इसी आगजनी में। ठीक है कार्तिकेय जी, आपका मैं इसीलिए मैं ये कह रहा था कि गृह मंत्री को नवादा में उल्टे लटकाने से पहले अपील करनी चाहिए थी वहां पर कि शांति से रहे सारे लोग, हमारा देश है सब एकता के साथ, बड़ी शांति के देश को, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कार्तिकेय जी, कुछ राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है ना कुछ, बिल्कुल जिम्मेदारी, इसलिए यहाँ पर 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बिहार के अंदर, बिल्कुल जिम्मेदारी, हम तो काफी डेढ़ सौ से ऊपर गिरफ्तारी हुई है उस पर हर संप्रदाय के लोग, हर समुदाय के लोग, 150 से ज्यादा भाई साहब, 150 से ज्यादा बोल तो रहा हूँ, क्या गिरफ्तारी हुई है, 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, FIR हुई है, 200 पर चलिए ठीक है, गिरफ्तारियां कितनी हुई है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, उस पर बाद में बात करते हैं। आगजनी क्यों हुई है, क्यों इसको सुलगा रहा है बिहार और बंगाल को, कौन सुलगा रहा है, बात इसकी हो रही है। ठीक है कार्तिकेय जी, चलिए ठीक है विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, विनय सिंह जी का रुख कर लेते हैं, सुन लीजिए साहब, चलिए ठीक है विनय सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। विनय जी, बिहार और बंगाल में जो हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वही एक्शन बिहार और बंगाल में होना चाहिए, तो इस तरीके की घटनाओं को हम रोक सकते हैं, सपा किस तरह से देखती है? क्योंकि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो एकदम विपक्षी एकजुटता दिखाई देती है। देखिए पहली बात बता दें, यह किसी हिंदू और मुसलमान को ऊपर उठता नहीं,
ये देश की एकता के ऊपर हमला है। और रही बात ये हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे यहाँ नहीं है सरकार, यहाँ है, ये दंगाई जब सत्ता में होते हैं खाली नहीं होते, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई है, दंगा करने वाली, जहाँ नहीं होता है सत्ता वहाँ। एक मिनट असभ्य आदमी तुम कहिए सभ्यता का परिचय दीजिए, किसकी सरकार, सभ्यता का परिचय दीजिए, उसके बाद डिबेट के सिस्टम को समझिए। आपसे सवाल लूंगी मैं, जवाब दीजिएगा आप, ठीक है, बात पूरी करिए जी। वो दंगा जब भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे वो दंगा कराती है। और देश को देखिए, मैंने पहले बहुत कई बार कहा भारतीय जनता पार्टी देश के लिए हानिकारक पार्टी है, देश के लिए ठीक नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले काम करते हैं, ये देशद्रोही प्रवृत्ति इसको कहा जाता है। अगर लोगों को लड़ाना, लोगों देश को कमजोर करना, बात यह कि अखंड भारत की परिकल्पना ये करते ही नहीं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, ये अंग्रेजों द्वारा संचालित लोग हैं, ये सावरकर से निकले हुए लोग हैं, ये देश को खंडित, जैसे सावरकर जब जेल में थे तो उन्होंने दो किताबें जब लिखी क्यों लिखी, अंग्रेजों ने उन्हें क्यों छुड़वाया, सिर्फ इसीलिए कि आप हिंदुत्व के नाम पर देश को खंडित करिए, देश को तोड़िए। और ये चाहते थे कि हम इस तरह से करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सत्ता के नजदीक जाएंगे और एक वर्ग के हम नजदीक जाएंगे, ये इनकी चाहत थी उस समय। ये आज से नहीं, इनका मिशन देश जब आजाद हुआ तब से ही ये मिशन रहा है कि देश को खंडित करना और देश के लब्धि तक पैसे पहुंचा जाए, ये इनकी मंशा रही। आज देश को कहीं ना कहीं तो आखिरी बांटने का काम अभी कह रहे थे हमारे मुसलमान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे देश की एक गुलदस्ता है जिनसे मिला करके अखंड भारत की परिकल्पना करते हुए एक सुंदर भारत का निर्माण होता है। ये एक ऐसी विचारधारा, जहरीली विचारधारा से आते हैं जहां पे इनकी एक झूठ की पाठशाला चलती, जहां पे इनके शिक्षक जहरीली। तो बिहार और बंगाल में जो हो रहा है वो बीजेपी की गलती है, बीजेपी की कमी है तभी हो रहा है, वहाँ तो दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार भी नहीं है। बड़ोदरा में जो हुआ पाकिस्तान की गलती। सर सर मैं बिहार और बंगाल के बारे में पूछ रही हूँ। काजोल जी, हमारे मित्र को शायद पता होगा कि जो गुजरात में हुआ है वो पाकिस्तान की गलती, तो बिरयानी खाने वो जाते हैं। तो फिर ठीक है, वो तो पाकिस्तान की गलती हो गई, जो बिहार और बंगाल में हो रहा है वो किसकी गलती है फिर सर? ये इन्हीं की गलती है, इनके ये अगर महबूबा से ये गठबंधन करते हैं वो तो प्रेम का बहुत बड़ा, महबूबा मुफ्ती से बहुत बड़ा उदाहरण होता है। और कहते हैं चोर चोर मोती नहीं खाए, आप नीतीश जी को कहते, अरे आप तो एक ऐसी विचारधारा से गठबंधन करते हो जो आपसे मेल ही नहीं खाता है, आप करते हो तो ठीक है, क्योंकि आप सत्ता की जोरूपता में, आप सत्ता के नजदीक जाने के लिए इस तरीके से भिड़े हुए, देश को बेच दिया, देश को तोड़ दिया जाए, देश की संस्कृति और सभ्यता पर चोट किया जाए, इन सब चीजों से आपसे मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए किस तरीके से देश के एक एक संस्थानों को बेच रहे हैं, इनको दर्द होता है कि आज हिंदुस्तान कमजोर नहीं, दर्द होता है, ये बेच रहे हैं, पूरी तरह से बेच रहे हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, ये देश के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश को तोड़ता हो, जो देश को कमजोर करता हो, जो देश की संस्कृति को चोट करता हो, जो देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता हो, ये देश की दुश्मन है, ये देश दो ही लोग हैं। समझ गई मैं, विनय जी समझ गए कि दोनों ही राज्यों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गलती है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बात रखिए आप अपनी। एक चीज और, हमारे बहुत बड़े देशभक्त है, ये राष्ट्रीयता को बहुत ज्यादा जानते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जिया, हम इनसे विनम्र निवेदन करते हैं, एक ही चीज कहेंगे, इन्हें दो चीज पूछेंगे। पहली बात तो राष्ट्रीयता की परिभाषा बताते हैं कि राष्ट्रीयता होता क्या है, राष्ट्र की परिकल्पना किस चीज से होती है, ये हमें बता दें, पहली चीज। दूसरी चीज ये हमें बता दें कि अभी इन्होंने बड़ी विकास के बड़े बड़े आयाम की बात की है, उत्तर प्रदेश के इनके माननीय प्रधानमंत्री कर्मवीर प्रधानमंत्री आए और कहे कि चौहान अम्बेडकर कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थापना हुआ, मैंने बनाया है चौहान अम्बेडकर का, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें,
और इन्होंने कहा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनाया है, ऐसा कोई एक एयरपोर्ट जिसके बता लेके बताया जिसके मानक को इन्होंने पूरा किया। और तो छोड़ दी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में एक ईंट बता दे जहां पे रखी, सब झूठे प्लाटों में ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे इनको भी भगाया। हाँ, जैसे विपक्ष एकजुट है, ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी हमने सपा प्रवक्ता को सुना है विनय सिंह जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि जो कसूरवार है वो सिर्फ बीजेपी है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो, और अगर वडोदरा में हो रहा है तो वडोदरा के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, ऐसा कहते हैं विनय जी। और विनय जी ये भी कह रहे हैं कि इनको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर ही ऐसे लोगों का सामना यानी कि बीजेपी का सामना वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा इनसे भी यही था, सवाल मेरा आपसे भी यही है। पाकिस्तान जिम्मेदार, मैंने कहा बीजेपी समझती है कि करती है पाकिस्तान, वही वही मैं भी कह रही हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि बिहार और बंगाल के लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी सत्ता में नहीं है, दंगाई सत्ता में नहीं है, सत्ता में आना चाहते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसीलिए दंगा किया है वहाँ पर, दंगा करवाया गया है, आप ये कह रहे हैं छोड़ो राज करो अंग्रेजों से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव साहब, एक्शन की बात हो रही है, चलो एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या यूपी जैसा एक्शन, विनय जी से भी मैंने सवाल किया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा इस पर, क्या जो उत्तर प्रदेश में एक्शन योगी सरकार ले रही है वही एक्शन लेना चाहिए, तभी कानून का खौफ होगा ऐसे दंगाइयों में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। जी काजोल जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में जो हो रहा है वो न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, और निश्चित तौर पे जो भी लोग इसमें शामिल है उसके खिलाफ एक संदेश अगर देना है तो वो तभी दिया जा सकता है जब इसमें इन्वॉल्व लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए जो संदेश बने न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। इस मामले में मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, जो आपने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिस तरह से योगी सरकार ने कार्रवाई की, आप देखिए कि उसकी चर्चा, जो बुलडोजर चलाया उन्होंने जिस तरह से आरोपियों के खिलाफ, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं सिर्फ इसको राजनीतिक रूप से न देखें तो भी तो ये एक मिसाल बनता है। मुझे लगता है कि बंगाल सरकार को भी वो बुलडोजर भले न चलाए लेकिन उनको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बंगाल मॉडल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का एक बंगाल मॉडल बने और वो पूरे देश के लिए आदर्श बने कि देखिए बंगाल ने अपराधियों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ, उन तत्वों के खिलाफ जो बंगाल के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ बंगाल सरकार ने ऐसी कार्रवाई की जिस कार्रवाई को पूरे देश की सरकारों को फॉलो करना चाहिए। तो कम से कम बंगाल के पास अब ये एक मौका है कि वो अपनी कार्रवाई से पूरे देश में एक मिसाल पेश करे। और देखिए इस पर राजनीति हो रही है, राजनीति होती रहेगी, आप देखिए कि बंगाल जल रहा है और हर राजनीतिक दल उस आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है कि वो पूरे देश के सामने ये मिसाल पेश करे कि हम दंगाइयों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां। ठीक है श्रीवास्तव साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि जो गलती है वो बीजेपी की है, बीजेपी की गलती क्या है पश्चिम बंगाल और बिहार में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये तो बहुत ये राजनीति है, और इस राजनीति में आप देखिए कि अगर यही दंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे होते, मध्य प्रदेश में हो रहे होते, बिल्कुल अभी दिल्ली का भी उदाहरण दिया गया, तो आप देखिए कि अगर यही दंगे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में हो रहे होते तो निश्चित तौर पर जो विरोधी पार्टियां थी वो यही कहते कि देखिए यहाँ पे भाजपा की सरकार, और भाजपा तो देश बांटने की कोशिश करती है और वही लोग ये करा रहे हैं। लेकिन अब जब बंगाल में हो रहा है और बिहार में हो रहा है तो ये राजनीति होना ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई असामान्य बात नहीं है, राजनीतिक दल इसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो सरकार अभी इन राज्यों में है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखिए काजोल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप रामनवमी के दिन जिस दिन वहां पे दंगे की शुरुआत हुई उसके अगले दिन उसी एरिया में पुलिस खड़ी और पुलिस के सामने फिर से दोपहर में दंगे हो रहे हैं, और लगातार 6 दिन से ये चीजें जारी है, एक जिले से दूसरे जिले में हो रही है।
तो क्या इसके लिए वहां की पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था जिम्मेदार है? पत्रकारों पर हमला हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, आप बीजेपी को दोष मढ़ के क्या आप ये कह देंगे कि आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया? क्या सरकार अपनी आंख बंद करके बैठ जाएगी, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी और सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेगी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं, इससे राज्य सरकारें बिल्कुल नहीं बच सकती। ये राजनीति भले कितनी भी कर ले, लेकिन इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार और राज्य पुलिस की पूरी तरह से फेलोर है। ये कानून व्यवस्था का पूरी तरह से फेलोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ठीक है। अंकित चौधरी साहब, आरोप पर आरोप लग रहे हैं कि जिम्मेदार बीजेपी है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहां निकल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। काजोल जी, मैं आपके सम्मानित चैनल के द्वारा फिर दोबारा एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे बड़े भाई समाजवादी के प्रवक्ता ने कही है, ये राष्ट्रीयता की बात हमसे सुलकाएंगे? ये हमें बताते हैं जिन्होंने अपने घरों की टोटी तक चोरी करके ले गए हैं सरकारी आवास की? ये हमें बताते हैं 2013 में जब अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, किस तरह पूरा उत्तर प्रदेश चलाया इन्होंने? ये आज हमें बताते हैं। दूसरा काजोल जी, मैं बिहार और बंगाल में गया हूँ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं पूरा विषय करता हूँ। मेरे दिल में इतनी चोट, पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में इतनी चोट है, क्योंकि हम देश को एक अखंड भारत की तरफ ले जा रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, दंगाई हमारा किसी हालत में नहीं होगा। क्यों उत्तर प्रदेश में दंगाई की कमर तोड़ रखी है? क्यों उत्तर प्रदेश में दंगाई की हिम्मत नहीं, कोई किंकर भी फेंक दे? बंगाल में काम हो रहा है, क्यों रामनवमी? क्यों रामनवमी का ये दिन हिंदुओं के जिसकी आस्था का मान्यता का दिन ही क्यों चुना गया, उसी दिन क्यों पथराव किया गया? सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ बांध रखे हैं और विशेष समुदाय को स्पेशल क्या रखा कि आप खुल के त्याग मांग करो, खुल के उत्पाद मचाओ। एनआरसी और सीए जब हम लाए तो यही सब लोग मिलके, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य लोग हो, ये लोग उन लोगों को लेके सड़कों पर बैठे थे, इन्होंने ही विरोध करा था। आज किसी भी पार्टी का प्रवक्ता क्या एक बार कहने को तैयार है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए? क्यों इन्हें मुस्लिमों की, इन्हें मुस्लिम काजोल जी, इन्हें मुस्लिमों की वोट चाहिए? हमें उस दंगाई की बिल्कुल वोट नहीं चाहिए जो भारत को तोड़ने में काम करता है। और मैं फिर दोबारा आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूँ और दिल छाती पे हाथ और ठोक के कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि किसी भी हालत में मेरा कोई भी हिंदू भाई, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करके अगर ममता जी और बिहार में इनके इन्होंने एक बार फिर सभी दर्शकों को हालात दिखा देते हैं कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में किस तरह की आगजनी हो रही है। विजुअल्स दिखाइए जी। अंकित जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, मैं काजोल जी बताता हूँ, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, क्यों बिहार और बंगाल बनाया? एनआरसी लाते थे तो ममता जी होती थी? नहीं, एनआरसी नहीं होनी चाहिए, सीएए नहीं होना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस सड़कों पर हंगामा करते थे कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे, हम रोहिंग्या के खिलाफ थे, हम उन मुस्लिमों के खिलाफ थे जो मुस्लिम बाहर से आके हिंदुस्तान में बस गए ताकि उनका सत्यापन ठीक से हो जाए। और आज फिर मैं बिहार और बंगाल में कहना चाहता हूँ, दोबारा ममता जी को जवाब देना पड़ेगा कि आप केवल एक समुदाय को लेके केवल पश्चिम बंगाल में राज करती है, आप बिहार में केवल एक समुदाय को लेके राज करेंगे? अब वो हिंदू नहीं है, अब हिंदू जाग चुका। और मैं आपको, सुन लीजिए भाई साहब, ये उंगली बाद में दिखाइए, ये उंगली आपने दिखाई होती, ये उंगली आपके अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को दिखाई थी, क्योंकि आपकी ये नैतिकता है, आप लोगों को बिल्कुल भी किसी बात से चिंता नहीं करते। दंगा होता है तो दंगा क्या करते हैं? दंगा भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल बिहार में क्या क्या, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है, क्या हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है? सुन लेते हैं विनय सिंह जी, बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। विनय जी बात रखिए अपनी। कार्तिक जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी राजेश जी, मैं उंगली नहीं समझ है, समकालीनता का परिचय देते हुए हम निवेदन कर रहे थे कि जनता से पहले दूसरी चीज शालीनता इनके पास है, दूसरी चीज इनसे मैंने राष्ट्रीयता पे तो लेकिन जैसे के पास भी नहीं है। अरे सुन तो लो, अपने बाप के मंच छीन लेता हो, यही शालीनता नहीं है? हम चुपचाप सुन रहे थे, दे देना चाहिए आप शालीनता की बात। भी कहां मांगे, अभी डर गए? देख रहा है, आप लोग शालीनता की बात ना करें,
आपके मुख से ये झूठी हंसी नहीं देख रही। आज बंगाल और बिहार जल रहा है और आपके चेहरे पर हंसी आ रही है। काजोल जी चाहिए एबीसीडी बंद करें तो हम बोल रहे हैं। नेशनल चैनल पर बैठ के और मुस्कुरा रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता प्रत्येक कार्यकर्ता आज दिन से रो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है जो लोग हमारे हैं। वो दंगाई आज तक कोई फैसला नहीं गया, बंद चाहिए वही बार बार बोल रहे हैं। दंगाई से यहाँ बुलडोजर चल जाता तो ये दंगा रुक जाता, लेकिन वे चाहते नहीं था। ठीक है आप सुनिए सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए उसके बाद फिर वापस लौटूंगी। विनय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा फिर मैं कार्तिकी जी के पास जाऊंगी। सुन तो लीजिए, हमें बोलने तो दीजिए। हाँ मैं सुन रही हूँ। देखिए इनको जब कहेंगी तो जैसे बच्चों से नहीं कहा जाता बेटा एबीसीडी सुनाओ तो सुनाता है, भी तब से वही सुनाएंगे, उससे अधिक तो सुनाएंगे नहीं। इनके पास कुछ है ही नहीं है, ना कंटेंट है, ना विजन है, ना देश के लिए कुछ है, मैसेज है, ना संदेश है, कुछ नहीं है। ये देश विरोधी ताकतें ही ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनके करने से कुछ नहीं होने वाला। रही बात अभी तक, अब इतना इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी है, राष्ट्रीयता और अखंड भारत की परिकल्पना बताए हैं, लेकिन अखंड भारत कहते किसको है? ऐसे मुस्लिमों करके पूरे देश, आप जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और आप बात करते हैं अखंड भारत की परिकल्पना। एक आपका प्रधानमंत्री कहता है कि सबको जोड़िए, अब पीछे से कहता है तोड़िए। ये आपके चाल चरित्र कैसा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा। आज जिस बहाने पे देश को इन लोगों ने ले आकर के खड़ा हुआ है, अब इनका समय आ चुका है। ये कह रहे हैं कि देश अब जा चुका है। कितनी लोग देश को आज आप देखिए, अभी हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि तक देश में कानून का राज है। हम श्रीवास्तव जी से बड़ा विनम्र निवेदन करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि कमल रचित पत्रकार नहीं, कलम रचित पत्रकार के रूप में मेरा जवाब देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वास्तव में जीरो टॉलरेंस पे बात करती है तो बीजेपी सरकार, वास्तव में अगर माफियाओं पर नकेल कसना चाहती है सरकार, प्रदेश में हर प्रदेश कहा जाए टॉप टेन माफियाओं की सूची बनाइए, जो टॉप टेन माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। धारा रखिए नहीं करेगी क्योंकि टॉप टेन माफियाओं की अगर, चलिए ठीक है विनय जी वापस लौट के बीजेपी पार्टी खाली हो जाएगी। विनय जी ठीक है, पार्टी आज बीजेपी में बैठे हुए देखिए मेरे पास समय की कमी है, मुझे सबको समय देना है, रुक जाइए। काजोल जी आज लोगों के थाली से रोटी है। हाँ विनय जी वो ठीक है, वो मुद्दा बहुत अलग हो जाता है सर, वो महंगाई से बहुत सारी हम करते हैं। ये भी अपराध है, ये भी अपराध है, बिल्कुल है, ये भी अपराध है। लेकिन अभी सर वो आग लगा करके दंगा करके ये साइलेंट अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोग को रोजगार से वंचित कर रही है, किसानों को जो है उनके फसल जाएगा। बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा, अपराध है जो भी जनता जवाब दे देगी। सर आप तो जनता जनार्दन मानते हैं ना कि जनता का जो फैसला है वही फैसला होगा। वापस लौटूंगी आपके पास। कार्तिकी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बातें कर रहे थे उन्हीं कुछ बातों का मैं जवाब देना चाह रहा था, उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। कुछ दिनों पहले बंगाल में कोलकाता में देखा था कि जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो लाठी से किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके जो पुलिस अधिकारी और पुलिस के लोग थे उनको मार रहे, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है कि नहीं आता है, इस बात का जवाब दे देना चाहिए था इनको ना। इनको देखा हो कोलकाता में भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे थे, तो देखिए ये दंगाइयों को सह देने वाली और दो कौमों के बीच में मार काट से हिंसा से उनको फायदा होता है उसका मैंने बड़ा सीधा सा उदाहरण दे दिया। अगर इतनी चिंता होती तो अभी देखिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे ना, एक बार भी अपील, मैंने तो बहुत शुरुआत में अपील कर दी, एक बार भी इन्होंने शांति के बारे में बोल दिया कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई डरे मत, हमारे हिंदू भाई कब से आप सबसे आप हमारे धर्म को, मैं भी हिंदू हूँ, आप हर दिन सर्वसार करते हो, सबसे पुराना सनातन धर्म हम तो कब से जगे हुई है, आप लोग सो रहे होंगे 2014 के बाद जो सरकार आ गई है हो सकता है उसमें जाग गए हो, दुनिया तुम्हारे पता ही चला दुनिया कहाँ पहुंच गई है, ये देश बहुत प्यार मोहब्बत एकता के साथ रहा है, स्थापना के साथ साथ का प्रयोग कर दिया गया है देश के बारे में। तो आप तो जब अपने हिंदू हिंदू करते तो आपको जो एक दो तीन जो आपको मुख्तार अब्बास लगती है तनावाज होता है उनको भी जाके बोला करो भाई आपको तो फिर लगता है गड़बड़ हो गया हमारे गलत पार्टी में आ गए हो, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। दो संप्रदायों के बारे में दंगा हो रहा है, हम लोग उससे परेशान हो रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपको शांति की अपील करनी चाहिए थी। और केंद्र सरकार को भाजपा को इतना दुख हो रहा है तो गवर्नर को संज्ञान में लेकर के उनको अर्धसैनिक बल की टुकड़ी को लग रहा है काम हुए टुकड़िया दे देनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा क्योंकि बिहार में आप सरकार में तो हमारा दायित्व हमारा फर्ज है कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। सासाराम में जो घटनाएं हुई उसकी हम निंदा करते हैं,
उसके साथ ही वहां पे जो डीएम ने जो बातें थी साफ रख दी है, 150 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हुई और दोनों तरफ से जहां जहां पे घटनाएं हुई और ये घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रामनवमी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या ममता बनर्जी बंगाल को सुलगा रही है? ये तो आपको टीएमसी का प्रवक्ता होता है उससे आप पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा। मैं कांग्रेस की तरफ से अपना कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखता हूँ और ममता बनर्जी कांग्रेस की तरफ से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष तो इकट्ठा है, बहुत सारे गुट है, लेकिन कांग्रेस उस गुट में शामिल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कोई नाराजगी चल रही है या आगे चलकर मित्रता हो जाएगी? कांग्रेस तो उस समय सरकार में मात्र है, कांग्रेस उसमें विपक्ष सबसे मुख्य चेहरा है, विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे आगे है हर मुद्दों पे बोलने वाली कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है सबसे ज्यादा भाजपा का भय किससे? हमारे नेता से भय, सुबह शाम किसका नाम लेते हैं? हमारी सरकार हमारी माफी हमारी पार्टी हमारे नेता का नाम लेते हैं तो भय तो साफ साफ दिख रहा है। यही पश्चिम बंगाल की बात तो इन्हीं के दिलीप घोष है, इन्हीं के मजूमदार अध्यक्ष है, वो किस तरीके से आह्वान कर रहे हैं लोगों का, बार बार देख रहे होंगे भाजपा के प्रवक्ता ही बार बार दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको किस चीज का फायदा होता है। हमारे सपा के साथी ने सही बात बोली थी, वडोदरा में इनको पता नहीं होगा भाजपा के साथी वडोदरा में भी पत्थर चले हैं, तो वो वहां पाकिस्तान से उन्होंने उसी बात को बोला, पाकिस्तान से लोगों ने आगे थोड़ा वडोदरा में पत्थर चला दिए। और ये बुलडोजर की बात काजोल जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने बात कही कि हम लोग क्यों कहते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई किस तरीके से करते हैं, सीएनआरसी में जब इन्होंने कई लोगों के नाम लिखे पोस्टर लगवाए गए वहां पर तो करीबन 274 लोग थे, उसमें रेडी पटरी विचारित की दुकान है उन सबके भी नाम लिख दिए। सुप्रीम कोर्ट से इनको ऑर्डर आया है कि जितने लोगों पे आपने जुर्माने करे वो वापस करिए, इनको वो सारे पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। और इनको इतनी हिंदुओं की चिंता थी कि जो कानपुर में जो माँ बेटी जला के मारी गई उनके बारे में बोल देते, आतंक के बारे में बोल देते, लखीमपुर खीरी में गृह राज्यमंत्री का बेटा गाड़ी से रौंद देता है, तो तमाम चीजें हिंदुओं के बच्चे बेरोजगारी में आज कर रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, हिंदुओं के बारे में इतनी चिंता है तो बोलिए। हिंदू बच्चों पर बलात्कार हो गया है, आपके विधायक पूर्व विधायक बलात्कार कर रहे हैं, उसके बारे में बोलिए। अगर हिंदुओं की चिंता हो रही है तो खाली वोट के लिए हिंदुओं को याद मत करिए, हिंदू बहुत जगह हुआ है, जगह हुआ 2024 में आपको इसे हिसाब करने वाले हैं, तो समझ गए किस तरह से आप आपको बढ़ाएंगे चले। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुद्दे पर कोई भी जवाब देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर पूछे टीएमसी के बारे में, तो अगर पूछे बिहार के बारे में, तो बचते हुए सभी नजर आ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है 2024 के लिए। और इसी 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर दंगे पर सियासी दांव भी खेला जा रहा है। बिल्कुल काजल, आप देखें कि इससे राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है वो बंगाल और बिहार की पूरी छवि का नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि बिहार की जो छवि पूरे देश में है, जिस तरह से आप देखें कि बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्य जाने जाते हैं, उस छवि से निकलने की कोशिश बिहार पिछले कई दशकों से कर रहा है। और इस तरह की घटनाएं बिहार और बंगाल में होने से होता क्या है कि पूरे एक राज्य की छवि बनती है पूरे देश में, और उससे पूरे राज्य का की छवि खराब होती है, पूरे राज्य का नुकसान, उसमें हिंदू और मुसलमान का नुकसान नहीं होता, उससे पूरे राज्य की छवि का नुकसान होता है। फिर वहां निवेश आने बंद होते हैं, व्यापार लगाने के लिए कोई जाना बंद कर देता है, वहां से फिर प्रतिभा का पलायन होता है, यही हुआ है बिहार से। तो आप देखिए कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इससे राज्य का, पूरे राज्य का नुकसान होता है, और फिर अंततः इससे देश का नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात होगी और इस तरह के दंगों की बात होगी, और वो भी त्योहारों के मौके पर, तो इससे पूरे देश की एक छवि बनती है दुनिया में। और फिर जब हम ये देखते हैं कि फिर आंकड़ा आता है कि पूरे दुनिया में के देशों में जब सांप्रदायिक सौहार्द की बात आती है तो फिर भारत सबसे नीचे क्यों खसक जाता है, तो वजह इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये बात समझनी होगी हर राजनीतिक दल को कि इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ किसी एक कौम का नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे पूरे राज्य का नुकसान हो रहा है, और अंततः इससे देश की छवि का नुकसान। और अमन चैन जो खुशहाली हम चाहते हैं पूरे देश में, वो अमन चैन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो हम लोग भी लगातार अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अमन चैन बनाकर रखें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, या फिर अन्य कोई भी राज्य हो। अंकित चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आरोप सीधे आप पर ही आ रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ यही कह रहा है कि जो सरकार की नीति है वो पूरी तरह से गलत है, सरकार ही कर रही है जो कुछ कर रही है। काजोल जी, जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो अपने घर आके कहता है कि मैं तो एग्जाम अच्छा करके आया था, लेकिन टीचरों ने मुझे नंबर अच्छे नहीं दिए, तो मेरे जो साथी प्रवक्ता कांग्रेस के और मेरे जो बड़े भाई के रूप में समाजवादी पार्टी में जो प्रवक्ता है, वो केवल कुछ ही यही उदाहरण
पूरे आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को देना चाह रहे हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस ने बात कही कि मैं हिंदू हूं, आज ये इस डिबेट पे कहने के लिए पहली बार उत्सुकता दिखे, मैं हिंदू हूं किसी कांग्रेस प्रवक्ता को देखा। आज पहली बार राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के अपने आप को साबित करने लगते हैं आप लोग। बात यहाँ बचामन चैन की हो रही है, आप हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। आप सुन लीजिए, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बिहार में ममता जी का ही दायित्व बनता है कि किस तरह पुलिस नाकाम है, ऐसी ही पुलिस उत्तर प्रदेश में है, ऐसी ही पुलिस अन्य स्टेटों में है भाजपा में, वहां पुलिस से क्यों दंगाई डरते हैं, बिहार में क्यों नहीं डर रहे, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं डर रहे, क्यों विपक्ष का एक भी नेता ममता जी की बुराई करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, ये सब जितने भी चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ये सब 2024 में एकजुटता की निशानी तो देख रहे हैं। 14 और 19 में हुआ, इसी तरह 24 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने इन्हीं नीतियों पे, अपने इन्हीं कामों पर, और ऐसे ही देश को विश्व में नंबर वन का काम और देश की छवि विश्व में नंबर एक और अखंड भारत कैसे हो, इस पे ही काम करना चाह रहा है। अब इसे बंगाल और बिहार पे आते हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, बंगाल और बिहार गंगा और जमुना का तहजीब का यह देश है, लेकिन जो भी आदमी इसकी तहजीब बिगाड़ना चाहेगा उसका इलाज करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। अगर ममता जी और ये दोनों फेल हैं तो आज इस्तीफा दे दे, आज हम राष्ट्रपति शासन लाके लागू करके दिखाते हैं कि बंगाल और बिहार किस तरह बदलता है। अगर बंगाल और बिहार में लोगों के हाथ में किंगर में दिखता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या गुजरात में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दे सर? ऐसा थोड़ी ना होता है सर। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ काजोल जी, गुजरात का विषय जो मैं आपसे दोबारा की, गुजरात के हालत जिस तरह दंगाई थोड़े दिन हुआ, लेकिन गुजरात बहुत जल्दी तुरंत उन पे एक्शन हुआ, लेकिन बंगाल और बिहार तो सब बेकार होते जा रहा है। क्यों राम, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ सबसे लेना है। ठीक है अंकित जी, यही रोकूंगी, माफी चाहूंगी। विनय जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, फिर एक कमेंट मुझे कार्तिक जी का लेना है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मुझ तक अनम्यूट करिएगा। हाँ, पहली बात तो यह है कि चौधरी जी अपना इलाज करा ले, इनको अभी पता चला है कि हाँ फलाने हिंदू हैं और हिंदू, इनको हिंदुत्व के बारे में पता ही नहीं है, हिंदू कल्चर के बारे में पता नहीं है, इनको अपने इलाज कराने की आवश्यकता है और किसी को इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन, एक ही रास्ते पे काम करती है कि कैसे हम हिंदू और मुस्लिम को बांटे। अभी इतनी लंबी लंबी बात करें तो अखंड भारत की तो चाहते हैं और ये चाहते हैं हम विजन, इन्होंने ये नहीं बताया कि अखंड भारत की परिकल्पना कैसे हो सकती है, हम असली जो राष्ट्रीयता है उसको स्थापित कैसे कर सकते हैं, क्या इस तरह से जो देश में दंगे होंगे लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है मारकाट करेंगे, लोग रोटी के लिए तरसते रहेंगे, लोग रोजगार के लिए भटकते रहेंगे, किसान डीएपी के लिए परेशान होगा, इससे राष्ट्रीयता आएगी? इसको कहते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की परिकल्पना तब पूर्ण होता है जब हमारा देश हर मुहाने पे जाकर के खुशहाल और समृद्ध होता है, तब जाकर के राष्ट्रीयता की परिकल्पना परिपूर्ण होती है। महाशय को राष्ट्रीयता मालूम होगा? देशभक्ति की परिभाषा अगर पूछ लीजिए तो इनको पता नहीं होगा। इनके जैसे लोगों का नाश करने के लिए महाभारत में कहा गया, जनता खड़ा हो रही है उस भगवान रूपी अवतार में, जटा जटा ही अधर्म से अग्ला निर्भवत भारत स्थान धर्म से कदा नाश होना है, जनता तैयार है। ये क्योंकि अब अधर्म बन चुका है, अब अधर्म बन चुका है, श्लोक याद है हमें सब, सुन लीजिए, अब मानव धर्म की स्थापना के लिए मानव नहीं हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल में बिहार में कानून व्यवस्था फेल दिखाई दे रही है, क्यों? सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाएगा तो फिर विपक्ष क्यों नहीं कह रहा है कि हाँ ममता बनर्जी सही से नहीं संभाल पा रही है पश्चिम बंगाल को? काजोल जी जांच कराई थी, क्या उनका राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का ही तो बैठाया हुआ है? आप बात करिए, जांच कराइए और जरूरत पड़े तो केंद्र से सेना भेजिए, लेकिन इनको मजा आ रहा है कि अलाव बढ़िया जलता रहे, हम तापते रहे, अपने हाथ को सेकते रहे। अच्छा। ये तो चाहते ही है,
इनका मकसद ही है कि देश जलता रहे, देश टूटता रहे और हम अपनी रोटी सेकते रहे बढ़िया से। ये देशद्रोही लोग हैं, इन लोग से बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है राष्ट्रीयता, राष्ट्र धर्म, देशभक्ति, ये सब नहीं पता देशद्रोही कौन है कौन नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं सर, मैं परिभाषित करके बता रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ये बता देना, मैं इनसे पूछ तो रहा हूँ। अब यही 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 अंकित चौधरी साहब आपको देशद्रोही कह दें तो फिर आप भड़क जाएंगे। अरे कहेंगे कैसे, हम कहेंगे कैसे, हम देश तोड़ रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हिंदू है मुसलमान, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं जो देश को तोड़ता है। देश तोड़ कौन सकता है मुझे? अच्छा कैसे तोड़? आप चैनल पे बैठ के खिलाफ तो केस होना चाहिए, ये भड़काने का काम कर रहे हैं, ये मैसेज नहीं दे रहे हैं देश को, कोई नहीं ये मैसेज दे रहे हैं, मानते हैं आप देश को, ये मैसेज दे रहे हैं, देश की एकता अखंडता बनी है और बनी रहेगी। ऐसी एकता होगी आप ही बता दे, काजोल जी आप ही बता दे, इनकी भाषा से जिस तरह की भाषा है इससे एकता होगी? आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां की किस किस ग्रह से आ गए हैं ये, इनको देश के कल्चर का भी पता है, भारतीय सभ्यता के बारे में नहीं पता है, भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता है। बात ये रही कि दंगा कौन भड़का रहा है यहाँ पर, हिंदुत्व की बात इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें क्या मालूम है हिंदुत्व कहते हैं किसे, हिंदुत्व कहते किसे, इन्हें पता है? अभी इनको किसे नहीं तो ये कहेंगे हिंदुत्व धर्म है, इन्हें नहीं मालूम है हिंदुत्व कैसा पता है, भारत की संस्कृति है हिंदुत्व है, भारत की संस्कृति है जिस पर ये चोट पहुंचा रहे, ये सीधा उसी पर चोट पहुंचा रहे। अपनी बात रखिए, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचा रहे। ठीक है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश का बच्चा बच्चा जानता है, बात तो आप मानते होंगे, इसी का पूरा विश्व कायल है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ दंगाइयों की हो रही है सर। कार्तिकेय जी, मैं बस भाजपा के साथी से दो चीज पूछना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि पूरा जवाब दे देंगे। एक अमृत काल का नाम इन्होंने सुना होगा, खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी जो मूवमेंट हो रहा है उसको इस समय पंजाब में लीड कर रहा था, वो भागे भागे फिर रहे। अखंड भारत की बात करें, खंड खंड करने की बात उसने पूरी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में आज हमेशा खालिस्तान के समर्थकों की आवाज सुनेंगे। तो केंद्र सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, हमारे खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत है, अमृत काल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाए? दूसरी बात इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में बोली, उमेश पाल को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उमेश पाल को मारने वाले कितने हत्यारों को आप तक पकड़ चुके हैं, बहुत ही योगी सरकार है। तो देखिए मैंने शुरुआत में कहा और भाजपा के प्रवक्ता के बयान से, भाजपा के सभी साथियों के बयान से हमेशा साबित होता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ही ये वोट लेना चाहते हैं, इनको फायदा होता है, तभी अभी तक एक घंटे की डिबेट हो गई है चैनल में कि मेरी आपने कभी भी शांति की अपील नहीं सुनी होगी, इनके कोई भी, इनके दिलीप घोष वहां पे हो, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हो, किसी ने भी शांति की अपील नहीं करी। बिल्कुल जो बंगाल और बिहार में हुआ है निंदनीय है, लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी वहां पर हुई है, उसका संज्ञान लिया गया, उस पर काम हो रहा है और ये दोनों समुदाय सबसे बार बार अपील करते हैं कि शांति से इसका वो करे और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको पूरी तरीके से उसको फॉलो करे। आखिरी सवाल यहाँ पर संजीव जी से लेना चाहूंगी मैं, कार्तिकेय जी मेरे पास समय की कमी है, संजीव जी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। संजीव जी, बात तो हो रही है दंगाइयों की लेकिन चर्चा को लेकर चले जाते हैं हिंदू मुसलमान में, क्या हिंदू मुसलमान की बात हो रही है यहाँ पे? क्या हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक है यहाँ पर और क्यों होगा हिंदू मुसलमान का टॉपिक? हमारे देश में आपसी सौहार्द है और मिसाल है, विदेशों तक जाती है मिसाल। बात हो रही है दंगाइयों की तो दंगाइयों पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, सवाल ये है हिंदू मुसलमान क्यों होता है देश में, हर मुद्दे पर क्यों हिंदू मुसलमान लाया जाता है? क्या यही करके किसी भी चुनाव में जीतने की तैयारी किसी भी पार्टी की होती है? देखिए काजोल जी, एक तो ये बात है कि सत्ता से बाहर रहकर और जो दल सत्ता में है उसके ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल आसान होता है और खासतौर से जैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी तरह जो सरकारें राज्य में है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं तो उसी समय आपको राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार मानना पड़ेगा। और देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये सब जो घटनाएं हुई हैं ये कानून व्यवस्था की बहुत गंभीर घटनाएं हैं, अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में इससे पूरे राज्य का नुकसान होगा और इससे पूरे देश की छवि को नुकसान होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
कार्तिकी जी आपका, विनय जी आपका और संजीव जी आपका भी और अंकित जी आपका भी। तो बात हो रही थी पश्चिम बंगाल और बिहार की, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार जल रहा है, सुलग रहा है, आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इसमें कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है या फिर एक्शन कड़ा लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिसके घर में आग लगी है या जिसकी दुकान में आग लगी है या फिर कोई झुलसा है इस आग में, तो उसका दुख दर्द क्यों नहीं देखा जा रहा है? सिर्फ राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? दंगाई कौन है, उपद्रवी कौन है, उन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ताकि एक उदाहरण मिले कि हाँ पश्चिम बंगाल में या बिहार में सरकार ने यह एक्शन लिया है, अब आगे जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगाई हैं, वो सावधान हो जाएं, वो खौफजदा हो जाएं कि अब वो ऐसा कुछ भी आगे नहीं करेंगे, ना ही किसी त्यौहार पर, ना ही किसी चुनाव में हमें ऐसी तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।